जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 की ऑफिशियल जानकारी लेकर के आ चुका हूं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि इसके फॉर्म कब से लेकर के कब तक भरे जाएंगे। एंड जो आप लोगों का सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या हमें एज के अंदर छूट मिलेगी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कौन कैंडिडेट कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन से एलिजिबल होंगे, ये भी आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरी जानकारी को अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो आएगी। क्योंकि मैं यहां पर सबसे पहले आपको यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जो भी वैकेंसी आती है उसके फॉर्म की, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो आप यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं, ये आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर नोटिफिकेशन के सेक्शन में जनवरी 19 2024 का अपडेट देख सकते हैं कि रशन फॉर द सेकंड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2024-2025 विल बी लाइव फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। यानी कि फर्स्ट वीक जो कि फरवरी का होगा 2024 का, उसमें आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। एंड इसी को लेकर के आपकी एक न्यूज भी आई है, और इस न्यूज के अंदर जो आपको डेट दी गई है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बताता हूं कि थल सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती होने के लिए भर्ती केंद्र अंबाला के तहत अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जबकि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल एवं चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण 8 फरवरी से 21 मार्च तक होगा। यानी कि यहां पर आपकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की, वो आपकी 8 फरवरी है, और 8 फरवरी से भी आपका यहां पर 8 फरवरी से पहले भी आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है, जो कि 6 फरवरी रह सकता है। तो फर्स्ट वीक के अंदर, जैसा कि आपको बोला था कि फर्स्ट वीक के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये यहां पर केंद्र है भर्ती वाले, जिनके नाम मैंने आपको बताया, इनके 8 फरवरी से होंगे, और जो अन्य आपके केंद्र है भर्ती वाले, उनके आपके 6 फरवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फॉर्म भरने के लिए यहां पर आपको 21 मार्च तक का समय दिया जाएगा, और ये डेट बाद में आगे बढ़ भी सकती है, जो कि आपके जोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस जोन की वैकेंसी के फॉर्म किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी लास्ट डेट दी जाएगी। एंड यहां पर देखने वाली चीज गाइज ये भी है कि आपकी एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, पिछले साल ये आपकी एप्लीकेशन फीस 250 रुपये थी, बट इस बार आपकी यहां पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट से 550 रुपये फीस कर दी है, और साथ ही साथ जो GST है वो भी अभ्यर्थी को ही देना होगा। तो इसमें लगभग आपको 650-650 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, 550 तो एप्लीकेशन फीस, और बाकी जो GST लगेगा वो GST भी आपको ही पे करना है। तो ये काफी इन्होंने हार्ड कर दिया है। एक तो यहां पर इस वैकेंसी को अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 4 साल की कर दी, और ऊपर से इतना हैवी अमाउंट एप्लीकेशन फीस के रूप में लेने लगे। पहले आपका जो भी 15,000 का होता था, और सेकेंडली आपसे इतनी एप्लीकेशन फीस भी नहीं ली जाती थी। तो ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि ये सही मूव है या फिर गलत है, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूं। अभी यहां पर हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और एज लिमिट के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, यहां पर आपको जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मेंशन की गई है। अब यहां पर एक और अपडेट है जो कि 3 जनवरी 2024 का, जिसमें कि बोला है कि टाइपिंग टेस्ट फॉर अग्निवीर क्लर्क और जो स्टोर कीपर टेक्नीशियन है, टेक्निकल है, वो विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिक्रूटिंग ईयर 2024-2025 अलोंग विद CEE। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैरी आउट नेसेसरी प्रैक्टिस पीरियड टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। यानी कि यहां पर जो आपकी अग्निवीर क्लर्क की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के बाद में गाइज यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि इसी साल यहां पर इन्होंने शुरू किया है। पहले ये नहीं होता था, बट अब ये जो इस साल की वैकेंसी होगी, इसमें जो कैंडिडेट अग्निवीर क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, इनसे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसलिए आपको यहां पर बोल दिया कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि फिर आपको बाद में ये ना लगे कि यार अचानक से ये मांग लिया, हमें तो टाइपिंग आती नहीं है। तो इसलिए जो अग्निवीर क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, उनको यहां पर टाइपिंग में अपना जो ज्वाइनिंग है वो कर लेना चाहिए, ताकि उनको फिर बाद में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। अब बात करते हैं आपके
एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अभी यहां पर हम बात करेंगे आपके कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जो क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर मांगी थी वही साल मांगी जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अग्निवीर जीडी की अगर आप पोस्ट पर अप्लाई करेंगे ऑल आर्म्स में तो 10वीं पास की योग्यता जिसमें कि आपके 45% होने चाहिए और कम से कम 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका पास होना अनिवार्य है, तभी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपकी अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स एंड अग्निवीर टेक्नीशियन एविएशन एंड एम्युनिशन एग्जामिनर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास जो कि आपने साइंस स्ट्रीम में की हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश के साथ में की हो और आपके 50% मार्क्स भी हो एंड 40% आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो सेकंड विकल्प आपको बोला है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर ITI कोर्स, यानी कि 12वीं पास हो और साथ ही एक साल का आपके पास ITI कोर्स हो तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता किसी भी स्ट्रीम में, बट आपके जो परसेंटेज है 12वीं के अंदर वो 60+ होनी चाहिए एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में कम हो और किसी में ज़्यादा हो, कम से कम 50% सभी सब्जेक्ट में होने जरूरी है। अग्निवीर ट्रेड्समैन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और जो आपके 10वीं है उसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% यानी कि आपका पास होना जरूरी है। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास पर अप्लाई करने के लिए 8वीं पास की योग्यता और मिनिमम आपके 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर पोस्ट वाइज आपसे मांगी जाएगी। सैलरी आपको कैसे मिलती है उसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। तो इस स्ट्रक्चर में आपको सैलरी दी जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरह से। फिर यहाँ पर सिलेक्शन आता है, तो सिलेक्शन आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, फिर आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड देन आपका टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा उसी पोस्ट पर जिस पर वो एप्लीकेबल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर आपका मेडिकल एग्जाम। अभी जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे उसका जो पूरी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि पूरा आपको एग्जाम पैटर्न और जो आपका सिलेबस है वो यहां पर दिया है। फिर आती है आपका फिजिकल मेजरमेंट, तो जो आपकी अग्निवीर जीडी की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, चेस्ट बिना फुलाई 77 और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल पर अप्लाई करने के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट रखी है, ट्रेड्समैन 10th 8 पर अप्लाई करने के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर रखी है। आपको बोला है कि आपका यहां पर चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। फिर गाइज यहां पर है कि फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर आदिवासी कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज आर इज एज फॉलोज, उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर रखी गई है जो आदिवासी कैटेगरी से, और वेट उनका 48 किलोग्राम रखा है। फिर आता है फिजिकल मेडिकल टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, तो इसमें गाइज आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की, आप देख सकते हैं। आपको यहां पर इसमें जिनकी दौड़ 5 मिनट से 30 सेकंड के अंदर पूरी हो जाएगी उनको यहाँ पर से पूरे 60 नंबर मिलेंगे एंड जिनकी 5 मिनट 31 से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरी होगी उनको यहाँ पर 48 नंबर दिए जाएंगे एंड जो पुलअप्स के नंबर है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ आपने इसके बारे में जानकारी जान ली। अब आता है आपका सवाल एज लिमिट का, तो गाइज़ एज लिमिट आपकी जो है वो 17.5 से 21 साल रखी गई है और यहाँ पर एज के अंदर अभी तक आपको कोई भी छूट दी जाएगी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड वो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई छूट मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जब वो छूट मिली थी 1 से 2 साल की वो आपकी फर्स्ट ईयर जब अग्निवीर अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था तभी मिली थी, उसके बाद में फिर इन्होंने पिछले ईयर भी किसी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं दी थी एज के अंदर और इस बार भी कोई छूट एज के अंदर नहीं मिलेगी। तो यानी कि आपकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज काउंट की डेट जल्दी आ जाएगी कि कौन सी डेट तक एज काउंट की जाएगी, तो वो जैसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। सो गाइस ये थी आपकी पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में। आई होप आपको यहां पर सभी जानकारी पसंद आई होगी, क्लियर हो गई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।